मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन के अंदर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेके आया हूं मैं 3 मई के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे। जयशंकर ने थाईलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे के विदेश मंत्रियों से की बातचीत। दूसरे देशों से बातचीत चल रही है क्योंकि भारत के अंदर अभी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी चल रही है, जिसके चलते हमने थाईलैंड से, दुबई से और सिंगापुर, नॉर्वे कई देशों से हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। कमला हैरिस बोली, भारत की सहायता के लिए हम प्रतिबद्ध। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है और अमेरिकी 49वीं उपराष्ट्रपति ये बनी है, तो इन्होंने कहा है कि हम भारत की सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिहा किए जाएं म्यांमार के नेता, भारत ने यह वक्तव्य दिया है। म्यांमार के अंदर अभी सेना ने तख्ता पलट कर दिया है क्योंकि म्यांमार की जो संसद है वहां पर 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित होती हैं। जब नवंबर में इलेक्शन हुए तो उसके बाद में 25% सीटें म्यांमार के अंदर सेना की नहीं आई और 1 फरवरी को तख्ता पलट कर दिया गया था। और इसके साथ ही आंग सान सू की जैसे कई बड़े नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया था। सूर्य और पृथ्वी के संबंधों का चलेगा पता। नासा ने ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है कि अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या चल रहा है, कैसे हम लोग इसको पता करेंगे, इसके लिए कई बलून्स जो हैं वो छोड़े जाएंगे ताकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में संबंधों का पता चल सके। अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ की सड़क निर्माण का लक्ष्य है। नितिन गडकरी ने ये कहा है कि हम अगले 2 साल के अंदर 15 लाख करोड़ सड़क का निर्माण करेंगे। आपको हाल ही में पता होगा कि परिवहन मंत्रालय ने कई सारे प्रोजेक्ट जो थे अभी पूरे किए हैं और विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। अक्टूबर नवंबर तक तीसरी लहर के आसार निपटने की हो रही तैयारी। अभी भारत के अंदर दूसरी लहर चल रही है, इससे भारत अभी निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक तीसरी लहर आने की संभावना है। महिंद्रा समूह ने महाराष्ट्र में शुरू की ऑक्सीजन ऑन व्हील। ऑक्सीजन ऑन व्हील अभी हरियाणा के अंदर भी शुरू की गई थी, लेकिन आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र के अंदर भी यह पहल शुरू की है, जिसके तहत घरों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। भारत के बाहर भी कोविशील्ड बनाने की योजना बना रही है सीरम। तो सीरम इंस्टीट्यूट जिसके CEO है आदार पूनावाला, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वो भारत से बाहर लंदन जा चुके हैं, लेकिन वापस से खबरें आ रही हैं कि वो भारत आने को तैयार हैं। तो कोविशील्ड जो है वो अब भारत के बाहर भी बनने जा रही है। कोरोना से मुकाबले को तीनों सेना तैयार। तीनों सेना मतलब वायु सेना, थल सेना और हमारी नौसेना, तीनों सेनाएं तैयार हैं कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। हर संभव प्रयास जो है वो किए जाएंगे तीनों सेनाओं के द्वारा। एक ऐसा गांव जहां अभी तक नहीं हुआ कोई संक्रमित, बहुत ही बेहतरीन खबर और मन को सुकून देने वाली ये खबर है कि एक भी कोरोना संक्रमण का शिकार नहीं हुआ है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने मास्क लगा रखे हैं। यही कारण है कि यहां पे कोरोना ने अपने पांव नहीं पसारे हैं। यहां पर लोगों ने शुरुआत से ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने हैं। चलिए अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके पास में जो ज्ञान पहुंच रहा है उसे आप लोग दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो आप लोग स्टडी ग्लव्स को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, आप इसे शेयर करें। और भाई सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के पास में ये है कि सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी से, अभी 5 लाख पर हम लोग को पहुँचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के MCQ का सेशन। हाल ही में भारत के किस राज्य में महिंद्रा समूह के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की परियोजना शुरू की गई है? तो आनंद महिंद्रा के द्वारा अभी महाराष्ट्र के अंदर ये परियोजना शुरू की गई है, जहां पर घरों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। घरों यानी कि जहां पर जो उत्पादन का प्लांट है उस प्लांट से लेकर और घरों तक ऑक्सीजन को पहुँचाया जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बताऊँ तो जेल
टूरिज्म जो है वो प्रारंभ करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। जैसे यरवदा जेल जो कि पुणे के अंदर स्थित है, वहाँ पर जेल टूरिज्म को शुरू किया गया क्योंकि गांधी जी ने और कई बड़े महानुभावों ने यहाँ पर अपना समय बिताया था। आप लोगों को अजमल कसाब का नाम याद होगा, अजमल कसाब को जो फांसी दी गई थी वो यरवदा जेल के अंदर ही दी गई थी। राजस्थान वो राज्य है जिसने सभी नागरिकों को जीवन बीमा प्रोवाइड कराया है, और वो स्कीम कौन सी है, वो है चिरंजीवी स्कीम। चिरंजीवी योजना के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया गया है। महाराष्ट्र को हम लोग कहते हैं टाइगर स्टेट, और महाराष्ट्र से 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होकर कौन सा 26वां जिला बना था। गोवा की यदि हम लोग बात करें तो समान नागरिक संहिता मतलब आर्टिकल 44 जो है वो लागू कहां पर है, वो है गोवा के अंदर। और भारत का पहला जीआई टेक सेंटर, भारत का पहला जीआई टेक सेंटर जो है वो कहां निर्मित किया गया था, वो निर्मित किया गया था गोवा एयरपोर्ट के ऊपर। चलिए यहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके ये बताया है कि मृत्यु दर में कमी करने के लिए ऑक्सीजन का अहम रोल है, जिसके तहत ऑक्सीजन ऑन व्हील जो है वो महाराष्ट्र के अंदर चलाई गई है और घरों तक ऑक्सीजन को पहुँचाया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कदम उठाया है, हम लोग भी इनके कदम को सराहते हैं। वन लाइनर को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पहला व एकमात्र ऑक्सीजन बार की शुरुआत कहाँ की गई है। तो आप लोग याद रखिए कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहाँ पर ऑक्सीजन बार की शुरुआत की गई है। जो भी कोई फ्रेश ऑक्सीजन लेना चाहता है वो दिल्ली एयरपोर्ट के इस सेगमेंट में पहुँच सकता है। रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, पहले तो ये देखिए कि ये कितनी सुंदर और बहुत ही बेहतरीन पहल यहाँ पर शुरू की गई है। लेकिन पूछा गया है कि कहां से कहां तक ये चलाई गई है, तो आप लोग याद रखना कि मुंबई से लेकर ये चलाई गई है कहां तक, विशाखापट्टनम तक। ठीक है, नाम है इसका ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछा गया है तो यहाँ पर 8 जो है वो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, जो कि किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक के अंदर आता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है और ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो 8वें नंबर पर है। यदि ये पूछा जाए कि आवर सारणी का निर्माण जो है वो किसने किया था, तो आप लोग याद रखना मेंडलीफ ने आवर सारणी का निर्माण किया था। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल है, इसका निर्माण किसने किया था, तो आप लोग याद रखना मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। यह हमारे पास में होता है एस ब्लॉक, यह है हमारे पास में कौन सा पी ब्लॉक, यह है डी ब्लॉक और यह है एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक इसके अंदर होते हैं। याद करना भी काफ़ी आसान होता है, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, पूरी पीरियडिक टेबल जो है वो याद की जा सकती है। चलिए बड़े हम लोग आगे। भारत का एकमात्र सिमरहार गांव किस राज्य में स्थित है जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। यदि मुझसे पूछा जाए कि आज के सेगमेंट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं कहूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कोरोना संक्रमण की बात की गई है लेकिन एक भी मरीज नहीं है, वो स्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, कि यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क पहने, जब से कोरोना आया है तब से इन्होंने मास्क पहने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो किया है, इसीलिए यहाँ पर एक भी मरीज जो है वो कोरोना का नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट, क्योंकि पूरे भारत के अंदर 2967 जो है वो टाइगर पाए जाते हैं, और इसका 20% मतलब 529 इसका 20% जो है वो बाघ कहाँ पाए जाते हैं, एमपी के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है, एमपी के अंदर, इनकी संख्या है कुल 6। यहाँ पर एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है जहां पर अभी हाल ही में आग लगी थी। और यदि पूछा जाए कि भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां पर हॉट एयर बलून सफारी
बलून सफारी जो है वो शुरू की गई है, तो आप लोग याद रखना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ये करंट अफेयर का सेशन है, आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए आप लोग इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ओडिशा की हम लोग बात करें तो यहाँ पर चिल्का झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर ब्लैक पैगोडा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्लैक पैगोडा की मैं बात कर रहा हूँ, कोणार्क सूर्य मंदिर की। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है उड़ीसा के अंदर। यदि ये पूछा जाए कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है, तो वो है सूर्य को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है और गहीर मठ बीच जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है, जहाँ पर पाए जाते हैं ऑलिव रिडली कछुए जो है वो पाए जाते हैं उड़ीसा के गहीर मठ बीच पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक गांव है सिमरहार, जिसने एक मिसाल जो है वो पेश की है पूरे भारत के सामने। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप सभी को मिल जाएगा, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश कौन सा है, यदि देश का नाम पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो है न्यूजीलैंड जो है। न्यूजीलैंड वो विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड दो द्वीपों से मिलकर बना है, एक तो है उत्तरी द्वीप, एक है नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है, और एक है सदर्न। दो द्वीपों से मिलकर बना है, दोनों के बीच में एक वाटर स्ट्रेट है, जिसे हम लोग कहते हैं कुक जल संधि से दोनों जो द्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य पूछा गया है, तो कोरोना मुक्त राज्य बताना है आपको गोवा। गोवा के अंदर भारत का पहला जी आई टेक सेंटर जो है वो खोला गया था। गोवा की एक मिर्च है जिसे कहा जाता है खोला मिर्च जो है, इसे क्या दिया गया है, जी आई टैग भी दिया जा चुका है। भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप लोग याद रखना अंडमान एंड निकोबार जो है वो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा स्थित है, वो है बैरन द्वीप। याद रखना भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान एंड निकोबार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अप्रैल माह में मार्च माह के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक जीएसटी संग्रहण हुआ है। तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये मार्च माह के मुकाबले जो है इकट्ठा हुआ है कितना, 14%। तो हम लोग इसके आंकड़े भी देख सकते हैं कि कितना अधिक जो है इसका कलेक्शन हुआ है। तो मार्च के मुकाबले अप्रैल के अंदर आप लोग देख सकते हैं, पहले था 1.24 लाख करोड़ और फिर बाद में हुआ है 1.41 लाख करोड़ जो है ये इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितना इंक्रीमेंट है, ये है 14%, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये कलेक्शन देखा गया है। देखिए यदि भारत के अंदर सभी लोग टैक्स पे करें तो सभी मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ है वो सभी लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो मेरा भी आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग जो है वो अपना जीएसटी टाइम टू टाइम फिल करें। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो आप लोग याद रखना 101 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल जुड़ा, वो कौन सा था, 279A जो है वो एक नया आर्टिकल जुड़ा। फ्रांस विश्व का पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया, जबकि भारत जो है वो 161वां देश बना था। देखिए संविधान संशोधन की यदि मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कितने प्रकार से हो सकता है, तीन प्रकार से हो सकता है, 3 types ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन यदि आर्टिकल 368 के तहत हम लोग देखें तो केवल दो ही टाइप हैं, एक तो है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी
प्लस हाफ ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जीएसटी के लिए ये मेथड जो है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ स्टेट्स वाला जो मेथड है वो अपनाया गया था, इसलिए कंसिडर किया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यदि ये पूछा जाए कि जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखना असम जो था वो पहला राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नासा के द्वारा किस प्रोग्राम की घोषणा की गई जो सूर्य और पृथ्वी के बीच संबंधों के पता करने में मदद करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं साइंटिफिक बलून जो है, ये प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके तहत 18 बलून जो है वो छोड़े जाएंगे ताकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य से जो भी प्रकाश भारत तक, सॉरी पृथ्वी तक पहुंचता है, उस प्रकाश से कौन सी किरणें निकलती हैं, कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं और उनको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मतलब जितना भी स्टडी जो है वो इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा वो है साइंटिफिक बलून। इसमें हम लोग देख सकते हैं, देखिए नासा ने सूर्य के लिए एक तो है पार्कर मिशन, सूर्य के लिए है एक तो पार्कर मिशन, एक है सनराइज मिशन। ये दो मिशन जो हैं वो किसके लिए हैं, नासा ने सूर्य के लिए, सन के लिए शुरू किए थे। भारत का कौन सा है, भारत का है आदित्य L1, भारत का है एकमात्र आदित्य L1 जो कि 2022 के अंदर शुरू होगा। यहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ देखिए साइंटिफिक बलून प्रोग्राम जो है इसके तहत 18 उड़ान जो है वो शुरू की जाएंगी, बलून जो है गुब्बारे वो छोड़े जाएंगे ताकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में संबंधों का पता लगाया जा सके। देखिए वैसे तो टेलीस्कोप से हम लोग पता कर सकते हैं लेकिन सारी जानकारी हमको नहीं पहुंच पाती, इसलिए गुब्बारों के सहारे गुब्बारों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ताकि सूर्य की सटीक जानकारी मिल सके। चलिए वन लाइनर देख लेते हैं हम लोग, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप लोग याद रखना नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु जो हैं वो मिलकर हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना नाभिकीय संलयन ये कभी भी खत्म नहीं होगी। भारत का सूर्य के लिए कौन सा मिशन है, तो भारत का सूर्य के लिए मिशन है अभी मैंने आप लोग को बताया वो कौन सा है, आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वो सूर्य के लिए मिशन है। इसके लिए प्रयोगशाला कहाँ पर, मतलब लैबोरेटरी जो है वो स्थापित की गई है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जब हम लोग आदित्य L1 को छोड़ेंगे उसके बाद में जो भी हमारे पास में सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें डिकोड करने के लिए यहां पर लैबोरेटरी स्थापित की गई है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा, तो आप लोग याद रखना वो है प्रोक्सीमा सेंचुरी। प्रोक्सीमा सेंचुरी जो है वो सबसे नज़दीकी तारा है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इस वर्ष इसकी थीम क्या है, तो आप लोग याद रखना ए इसका करेक्ट आंसर है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ये जो है वो 2021 के लिए है, ये जो है वो 2020 के लिए है, फिर ये 2019 के लिए थी और ये 2018 के लिए थी। तो यदि पूछे कि इस बार 2021 की थीम ये है, आप 2020 की थीम बताइए, तो आप लोग उसमें याद रखना जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर जो है वो 2020 के लिए थी। और 3 मई को हम लोग क्या मना रहे हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो मनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, तो इसमें याद रखना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये एक संस्था है जिसके द्वारा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, इसमें जो भारत का स्थान है वो 142वां स्थान है। कितने देशों में से हैं, कुल देश जो हैं वो है 180। यदि पूछे इसके अंदर कि पाकिस्तान का कौन सा है, ठीक है पाकिस्तान का इसमें 145th। यदि पूछे इसके अंदर भूटान का, तो भूटान का है 65। बहुत ही बेहतरीन जो है वो भूटान
ने स्थान बनाया है। चीन का जो स्थान है वो है 177 और बांग्लादेश का जो स्थान है वो है 152। ठीक है, बांग्लादेश का जो स्थान है वो कौन सा है, 152 जो है वो बांग्लादेश का स्थान है। अब इसमें आप लोग पूछेंगे कि सर फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है इसमें नॉर्वे, जबकि अंतिम पायदान पर कौन आ रहा है वो है इरिट्रिया। इरिट्रिया ये कहाँ का देश है, इरिट्रिया है अफ्रीका का देश। देखिए थोड़ा सा राइटिंग के साथ आप लोग एडजस्ट कीजिए, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइटिंग बहुत ही अच्छी वैसे सुंदर राइटिंग है मेरी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसमें समय लगेगा। हाल ही में कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, तो आप लोग याद रखना यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो ड्राइवरलेस कारें हैं उनको कम गति पर चलाने की अनुमति दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ड्राइवर नहीं है और स्टीयरिंग जो है वो खुद ब खुद मूव कर रहा है। पीछे जो यात्री बैठे हैं इनको थोड़ा डर तो लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी ये सेफली जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। दक्षिण एशिया में वैक्सीन लगाने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो देखिए भूटान ने ये कीर्तिमान जो है वो बनाया है, जिसकी राजधानी क्या है, थिम्फू। और भूटानी वो पहला देश है जिसे भारत ने क्या की थी, भारत ने वैक्सीन सप्लाई की थी। भारत के किस राज्य में ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन किया गया था, तो आप लोग याद रखना दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर मेजेंडा जो है वो ड्राइवरलेस मेट्रो जो है शुरू की गई थी। सिडबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एस रमन्नन जो हैं वो सिडबी के नए अध्यक्ष बने हैं। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक ई बुक है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग याद रखना ये लिखी गई है आकाश रंजन के द्वारा, ये बुक लिखी गई है, काफ़ी ये यूथ हैं युवा हैं और इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं, तो हमें भी इनकी तारीफ करनी चाहिए कि बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया है। यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव हम लोग देख सकते हैं, जैसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ये किसका है, ये है ग्रेटा थर्नबर्ग का। ग्रेटा थर्नबर्ग जो है इनका है, किस देश से संबंध है इनका, इनका है स्वीडन से इनका संबंध है। ग्रेटा थनबर्ग हमेशा स्कूल से थोड़ा बंक मार के और फ्राइडे के दिन स्वीडन की संसद के सामने अनशन करती थी, और इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए एक जो काफ़ी बेहतरीन काम किया है। ब्यूटीफुल थिंग्स ये एक बुक है, ये किसकी बुक है, ये है हंटर बाइडन की। ये जो बुक है वो किसकी है, हंटर बाइडन की, जो कि जो बाइडन के बेटे हैं। लेकिन यहाँ पर दो बुक जो हैं ये किसकी है, ये है जो बाइडन की बुक्स हैं, जो बाइडन की ये बुक्स हैं। यहाँ पे देखिए तीन बुक्स आपको और दिखाई दे रही हैं, ये है किसकी, ये है कमला हैरिस की। कमला हैरिस जो हैं इनकी ये तीनों बुक्स हैं। कमला हैरिस जो है वो 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, जबकि जो बाइडन जो हैं वो 46th नंबर के क्या बने थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो आप लोग याद रखना वो शुरू किया गया है अल्बानिया के अंदर। अल्बानिया की लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है एरिट्रिया, एड्रियाटिक सी जो है वो यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर एक देश स्थित है इटली। ठीक है, तो अल्बानिया के अंदर शुरू की गई है। नाटो के लिए देखिए आप लोग, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल, नाटो की स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, और इसके सदस्य देश कितने हैं, 30 इसके सदस्य देश हैं, लेकिन शुरू में जब इसकी स्थापना की गई थी तो केवल 12 ही देश थे, अब इसके 30 देश बन चुके हैं। यदि पूछे कि सबसे नवीनतम देश कौन सा बना है, तो वो है मैसेडोनिया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेडोनिया जो है वो सबसे नवीनतम सदस्य देश बना है नाटो का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर ये मैंने आप लोग के लिए लिया है, याद रखिए फ्रांस जो है, यहाँ पर फ्रांस को आपको सेंटर में रखना है। कुछ माउंटेन जो है वो हम लोग याद करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्पेन है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, बाउंड्री पर एक पर्वत स्थित है जिसको हम लोग कहते हैं पिरेनीज। यहाँ पर स्थित है पिरेनीज, फ्रांस और इटली की सीमा पर जो स्थित है वो स्थित है कौन सा, आल्प्स। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा पर स्थित है वो है कौन सा, वास्जेज। वो कौन सा है, वास्जेज पर्वत है। जबकि फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर कौन सा स्थित है, वो है जूरा पर्वत। ठीक है, तो आप लोग ये फैक्ट जो है वो याद रखना कि फ्रांस को सेंटर में रखिए और चारों तरफ इसको रोटेट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वरुण युद्ध अभ्यास में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है। तो वरुण युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है, लेकिन नया देश जो है वो कौन सा बना है इसके अंदर, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो नया देश बना है। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है, तो आप लोग याद रखिए भारत प्लस USA प्लस जापान, और नया देश जो है वो इसमें कौन सा बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है। ला पेरूस मिलिट्री एक्साइज, ला पेरूस मिलिट्री एक्साइज जो है वो 4 से 7 अप्रैल 2021 को की गई। इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हुए, भारत शामिल हुआ, USA शामिल हुआ, जापान शामिल हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शामिल हुआ, और एक फ्रांस जो है वो शामिल हुआ। जैसे ही फ्रांस शामिल हुआ तो इसको कहा गया क्वाड प्लस, इसको कहा गया क्वाड प्लस जो है वो इसको कहा गया, क्योंकि जो कि मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं देश उनको कहा जाता है क्वाड कंट्रीज, और जैसे इसमें फ्रांस जो है वो शामिल हुआ इसे कहा गया क्वाड प्लस। यहाँ पर एक नाम आप लोग देख सकते हैं ला पेरूस, ये क्या है, ये फ्रांस के एक अधिकारी थे, नौसेना के अधिकारी थे, जो कि अरब सागर के अंदर आकर, अरब सागर में आकर खो गए थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये मिलिट्री एक्साइज की जाती है, ला पेरूस युद्ध अभ्यास, ला पेरूस मिलिट्री एक्साइज। चलिए नवा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए यहां पर नियुक्त किया गया है किसको, अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। एडोल्फ हिटलर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से दिया गया था, ये एक मैंने पेपर से लिया है, उस पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसे नोबेल पीस प्राइज जो है वो नहीं मिला है, वहां पे एडोल्फ हिटलर भी था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है, क्योंकि बच्चों को ये पता रहता है, स्टूडेंट्स को, कि एडोल्फ हिटलर को तो क्या नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो मिला था, लेकिन 1939 के अंदर एडोल्फ हिटलर को जो है वो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध गोली ना चलाने के कारण हुआ था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो गोली चलाने के कारण हुआ था। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, तो आप लोग याद रखना गोवा वो पहला राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड, और कॉमन सिविल कोड का उल्लेख कहां पे है, आर्टिकल 44 के अंदर कॉमन सिविल कोड का उल्लेख है। यहां पर एक कानून भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, कि यदि किसी पेयर के, यदि किसी महिला के 25 वर्ष की उम्र तक कोई भी बच्चा ना हो, या फिर 30 वर्ष की उम्र तक कोई लड़का ना हो, तो फिर पुरुष को यह अधिकार है कि वो दूसरी शादी भी कर सकता है। ठीक है, दूसरी शादी भी कर सकता है। ये नियम कहाँ पे लागू है, गोवा के अंदर, जहाँ पर 1961 के अंदर ही कॉमन सिविल कोड को लागू कर दिया गया था। जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा किस राज्य में की गई थी, तो वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान के अंदर की गई थी जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा, और राजस्थान के अंदर अब 3 मई से लेकर 17 मई तक भी क्या लग गया है, लॉकडाउन लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस संस्था में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है, तो आप लोग याद रखना IIT मद्रास के अंदर ये उद्घाटन किया गया है। ये जो घर है वो भी बनाया गया था, इस घर के अंदर कितने दिन में, 5 दिन के अंदर इस घर को बनाया गया, और 600 वर्ग फुट में, यानी कि स्क्वायर फीट जो है उसके अंदर इसको निर्मित किया गया है। 3D प्रिंटिंग बहुत ही बेहतरीन है, कम समय के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग बना सकते हैं। किस स्थान पर IIT व IIM दोनों स्थित है, तो याद रखना ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है और इसका नाम है इंदौर। इंदौर के अंदर IIT और IIM दोनों स्थित है। प्राण वायु वेंटिलेटर किस संस्था के द्वारा बनाया गया था, तो आप लोग याद रखना एम्स ऋषिकेश। एक तो है
एम्स ऋषिकेश का आप लोग नाम याद रखना, और दूसरा है आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना मेरी राइटिंग के साथ में, अभी शुरुआत है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट्स में आप लोग के लिए लेके आऊँगा। जो भी आप लोग कहेंगे वैसे मैं करंट पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा बड़ा शानदार, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहना। हम लोग नए नए सेगमेंट्स जो हैं वो लेकर आएंगे। इटली ने किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है, तो वो स्थापित किया है कहाँ पर, गुजरात के अंदर स्थापित किया है, ठीक है। तो इटली जो है, इटली ने कहाँ पर स्थापित किया है, गुजरात के अंदर। देखिए बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। चलिए कल के करंट अफेयर को, एमसीक्यू को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, एमसीक्यू को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फर्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक कंटेनर व चिकित्सा उपकरण लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है। उसके बाद में हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हुआ, वह भारत के किस संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल पर वो रह चुके हैं, आर्टिकल 76 में इसकी बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के द्वारा विश्व का सबसे लंबा पैदल पुल यात्री पुल निर्मित किया गया है, तो वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, कैपिटल, वो है लिस्बन। किस देश के द्वारा अपनी पहली कोविड वैक्सीन ब्यूटानिक वैक निर्मित की गई है, तो आप लोग याद रखना ब्राजील के द्वारा। व्हाट इज MACS 1407, तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सोयाबीन की क्या है ये नई किस्म है। किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो आप लोग याद रखना तमिलनाडु। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है, तो वैशाली हिवासे जो है वो बनी है। बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप लोग याद रखना नीरज बजाज बने हैं। भारत सरकार ने किस द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है, अंडमान निकोबार को प्रदान किया है। भारत की पहली पार्टी कौन सी बनी है जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और वो कंपनी कौन सी है, वो है हिंडालको। ये कल आपका स्टडी ग्लव्स जो था क्वेश्चन था, इसका सही आंसर रहेगा वो है बिहार। तो बिहार का नाम आप लोग याद रखना, बहुत ही फेमस है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, महिला पुलिसकर्मी हैं। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं, कितनी हैं टोटल पुलिस पॉपुलेशन की, 25%। इसी रिपोर्ट में, रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखना वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसका नाम आप लोग याद रखना। इसमें यह भी बताया गया था कि सर्वाधिक महिला न्यायाधीश जो है वो स्थित कहां पर है, वो है तेलंगाना के अंदर, और सर्वाधिक न्याय प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, वो है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर सर्वाधिक और त्वरित गति से न्याय प्रदान किया जाता है, उसमें है महाराष्ट्र। रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखना इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। चलिए ये आज आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करना, और मुझे ये भी बताना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोग चाहते हो कि हम लोग इसी तरीके से पढ़ाते रहें, तो आप लोग स्टडी ग्लव्स को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना मत भूलना। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।